दो संख्याओं का लघुत्तम समाप वर्त और महत्तम समाप वर्तक कितने कितने हैं? 180 और 6। एलसीएम कितना है? 180। एचसीएफ कितना है? 6। एक संख्या क्या है? 30। और हमें ज्ञात करनी है दूसरी संख्या। ध्यान दोगे? दिया है एलसीएम कितना दिया है? 180। एचसीएफ 6। पहली संख्या, पहली संख्या को अपन क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? बराबर 30। क्या ज्ञात करनी है? दूसरी संख्या। क्या ज्ञात करनी है? माना दूसरी संख्या बराबर बी। कोई दिक्कत है? बताइए, है कोई दिक्कत? अब बच्चों हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा, कि जो संख्याओं का गुणा होता है वही किसका गुणा होता है? एलसीएम और एचसीएफ। ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो क्या होता है, संख्याओं, संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पढ़ा था पिछली क्लास में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलसीएम कितना दिया? 180। एचसीएफ कितना दिया? लिखा है ना लघुत्तम फिर महत्तम 180 और 6 है। और पहली संख्या क्या दी है? 30। उसको अपन ने ए बराबर 30 और अपन को निकालना है दूसरी संख्या मतलब बी। और कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल। बताया था कि नहीं बताया था? चलिए, ए का मान बताइए। ए का मान है 30, बी का मान निकालना है। एलसीएम 180, एचसीएफ 30 गुणा में है, कहाँ आ जाएगा बच्चों? पक्का? जीरो से जीरो, तीन छंग आता है, दूसरी संख्या 36 है। समझ? दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम कितना है? 2175 और 145। एलसीएम कितना हुआ? 2175। और एचसीएफ कितना हुआ? 145। पहली संख्या कितनी दी है? 725। और दूसरी संख्या हमें ज्ञात। हम क्या जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ। तो ए कितना है? यहाँ से बी सीधा निकाल लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे ए। सही है, ए को कहाँ ले गए अपन? बटे में। बी बराबर क्या आया? एलसीएम एचसीएफ बटे ए। एलसीएम का मान बोलिए 2175, एचसीएफ का 135 और ये 725। काटना आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा काटा पीटी आप ना करें, गंदा लगता है, रफ में करें। देखिए यहाँ पे 2175 को काय से काट रहे हैं? 725 से। पंचों के 5 त्री 5 पाँच एक कम 5 22, पंचों के 20 5 फिर 5 से कटेंगे, काटो 5 अट्ठे 40, 5 7 5 दूनी 10, 5 नाम। सही है, अब ध्यान देना 29, सुनो भैया 29, 29 रुपया है तुम्हारे पास। कितने रुपया है? 29 रुपया। तो 29 रुपया है तो पहले 20 को नोट अलग रखो, 9 के चेला अलग रखो। अब 20 के 3 गुना करो 60, और 9 तेरी 27, 60 और 27 कितने रुपया हो गए? 87 हो गए। सो 29 एक 29 और 29 दिया 87। ऐसी गंदगी यहाँ नहीं फैलाएं। तो ये कट के सीधा क्या आ जाएगा? 3। समझ गए? क्या बचा? 3 गुणित गए 145। कर लें गुणा, 100 100 100 कितने हो गए? 300। 40 40 40 120। 300 और 120 420। 5 5 5 15 420 और 15 435। समझ गए? बी का मान हो गया 435, अतः दूसरी संख्या क्या है? 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 18 24 और 36 को पूर्णतः विभाजित करे। मतलब पूरा पूरा क्या करे? विभाजित। 18 को भी करना चाहिए, 24 को भी करना चाहिए और 36। तो पहले मेरी बात समझ लीजिए, अपने पास सुन लो यार, बात नहीं करो। तीन है 18 24 36, क्या दो तीनों को विभाजित करता है? करता है। तो क्या हमारा आंसर दो है?
उनने बोला है बड़ी से बड़ी। चलिए एक और मैं आपको बताता हूँ, तीन, क्या तीन सबको विभाजित करता है? नहीं करता। ती छिंग ती आठे तीन एकम तीन कर रहा है, तो क्या तीन हमारा आंसर है? और देखते हैं, देख लेते अभी समझ में आ जाएगा कौन सी पंच जल्दबाजी में। छः थ्री अठारह, छः चौके छः छत, तो क्या छः हमारा आंसर? क्या छः से बड़ी कोई संख्या नहीं जो तीन को विभाजित करे? बारह, बारह दूनी चौबीस, बारह तीन छत्तीस, अठारह को नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं दिमाग में संशय बना रहता है, और ये तो छोटी संख्या, बड़ी आ गई तो फिर क्या करेंगे? तो आपको याद करना चाहिए कि सर ने पढ़ाया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सब संख्याओं को विभाजित करे वो संख्या कहलाती है महत्तम समापवर्तक। तो असल में इसमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? तो ऐसे करने में हमेशा क्या लगता है, डर लगा था कुछ छूट तो नहीं गया, तो अपन क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? चलिए देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले हमें सबके क्या करने पड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 18 से चालू करेंगे, कैसे चालू करेंगे? तो मैं कैसे पता कि एचसीएफ निकालना, क्योंकि हमें एचसीएफ की परिभाषा पता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सब संख्याओं क्या करे विभाजित, वही तो क्या है एचसीएफ। तो बस लिखा नहीं लेकिन निकालना क्या है, एचसीएफ। तैयार है? चलिए, दो इनाम तीन त्रिका तीन एकम, चलिए चौबीस कम दो, दो दूनी दो चेन दो तीन छः तीन एकम छत्तीस, दो दो अट्ठे सोलह, दो इनाम अठारह, तीन त्रिका नौ, तीन एकम तीन। सही है? अब अठारह के क्या लिखेंगे? गुणनखंड। दो कितनी बार है? दो की घात। तीन कितनी बार है? तीन की घात। चौबीस की दो कितनी बार है? दो की घात। तीन कितनी बार है? तीन की घात। दो कितनी बार है? दो की घात। तीन की घात। समझ आया? अब हम इन तीनों का, किस किस का, 18 का, 24 का और 36 का क्या निकाल लेंगे? कॉमन वाली संख्याएं। दो सब में है, दो लिखा जाए, तीन सब में है, तीन लिखा जाएगा। अब घात सबसे छोटी कौन सी? सबसे छोटी दो पे देखो, एक की है, दो की है, तीन की, लगाएंगे कौन सी? सबसे छोटी तीन, सबसे छोटी एक की है, दो की है, काई लगाएंगे एक, दो की घात एक क्या आ गया? दो। तीन की घात एक कितना आ गया? तीन। छः। समझ में आया आंसर? अतः छः वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18, 24 व 36 को पूर्णतः विभाजित करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। समझे कि नहीं? पक्का? नहीं समझे? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, देख लो, जरा ध्यान नहीं दे रहे हो, जो 300 और 375 को पूर्णतः विभाजित करे, 300 को भी करे और 375 को, पांच पांच 300 300, अभी आप बोले थे पांच, देखो पांच छक्का 30, पांच सात 35, पचम 25, सही है 25 करेगी, 25 की नहीं 15 करेगी, तो 25 आंसर आएगा पक्का, बोलो तो कर लें फिर। यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुक्का लगाना अलग चीज होती है और मेथड अलग चीज होती है। देखिए गौर करिएगा, ध्यान देंगे तो हम तो ये समझते हैं कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो सबको विभाजित करे, मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? अगर ये बात दिमाग में रहेगी तो सब अच्छा रहेगा। चलिए 300 150 दो सत्ते दो पन्ना दो पंचे 10, ठीक है
तीन दूनी ती पांचे पचम पांच एकम 375 पांच से तीन से तीन एकम तीन दूनी छः ती पांचे पांच दूनी पचम पचम पांच एकम 300 के गुणनखंड बोलो दो कितनी बार है दो बार दो की घात तीन की घात पांच की घात 375 एक पांच की घात तीन समझ आया अब हम निकालेंगे इन दोनों का किस किस का 300 और 375 लेकिन सवाल में तो बोला नहीं कि एचसीएफ निकालो तुम क्यों निकाल रहे हमें पता होना चाहिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित करती है उसका नाम है एचसीएफ कैसे निकालती कॉमन वाले दो सब में है दो सब में है दो नहीं लिखेंगे तीन है दोनों में तीन लिखेंगे पांच है दोनों में पांच लिखेंगे अब घात सबसे तीन की घात एक तीन की घात एक एक है कोई दमदार बंदा पांच की घात दो के तीन तीन की घात एक तीन पचम तुम तो 25 बोल रहे थे अतः वह संख्या 75 चेक किया जाए 300/75 375/75 काटो पास से 5 छक्का 15 ठीक है 15 चौके 60 5 से काटो 5 7 35 पचम 5 एकम 5 पचम 25 15 5 समझे 25 नहीं है क्या है इसलिए तुक्का नहीं लगाना है करना है करेंगे नहीं करेंगे आंसर क्या लिखेंगे बताओ आता है वह बड़ी से बड़ी संख्या 75 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 300 और 375 दोनों को क्या करे 525 और क्वेश्चन वही है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 525 3000 को पूर्णता है घात कर 25 अब क्या पता क्या होगी इसलिए करके ही देख लो तो 525 तीन से स्टार्ट करें तीन एकम 22 तीस आते 21 तीन एकम 3 22 आया तो तीस आते 21 तीन पाँच आप 5 से भी शुरू करें तो कोई टेंशन नहीं है तीन आ ही जाएगा बड़ा है ना चलिए अब 5 5 3 पचम 5 7 7 एकम अब करेंगे 3000 दो से करें कितना बचेगा 1500 के आधे 750 750 के आधे दो तीन छः दो सत्ते 14 सही है तीन से के पाँच से पेपर में नहीं कर सकते ऐसे पेपर में करना पड़ता है खुद से तीन एकम तीन दूनी तीन पाँचे पाँच दूनी 10 पचम 25 पाँच एकम बोलो 525 के तीन एक बार तीन की घात पांच की घात सात की घात 3000 बोली दो की घात तीन की घात सही है अब निकालेंगे 525 और 3000 का एचसीएफ बच्चों दो लिखा जाएगा क्यों दोनों में नहीं तीन लिखा जाएगा पांच सात सात क्यों नहीं लिख रहे तीन की सबसे छोटी घात पांच की 25 दिया 75 अच्छा 75 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं मतलब इन दोनों को क्या करेगी विभाजित लिख लो जरा जल्दी आप मुझे ये सवाल को चलिए नहीं बना देखा जाएगा कठिन सा लग रहा है एक ऐसी संख्या बताओ ऐसी संख्या जिसमें अगर हम 6 का भाग दें काय का भाग दें 6 का तो 2 बचे तीन में भाग चला जाएगा 6 का ऐसी संख्या बताओ जिसमें 6 का भाग दें तो क्या बचे 12 पूरा चला जाएगा बचना चाहिए 2 भागफल नहीं शेष 8
आठ में दो का भाग दो, छह एकम छह, बचे कितने? दो। नहीं आया समझ? समझ रहे हो? अब अगला पूछें बेटा, यहाँ देख लो, ऐसी संख्या बतानी है, सुन रहे हो, ऐसी संख्या बतानी है बात नहीं करना, इसमें भाग दें तो एक बचे और इसमें भाग दें तो दो बचे, क्यों? छह छंग छत्तीस। समझ गए? नहीं समझ रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? थोड़ा सा आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? बच्चे सब दुखी हैं, बाहर में गई दुनियादारी, हमें कहाँ करना पड़ लिख के, है कि नहीं? चलिए अब देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऐसी संख्या बताओ जो इसमें भाग दें तो दो आए और इसमें भाग दें तो तीन बचे, आए नहीं बचे, सुन नहीं रहे हो? इसमें भाग दें तो कितना बचे? दो। इसमें भाग दे तो आराम से, आराम से, सात पन्ना पैंतीस दो बचेंगे, सात छः बयालीस एक बचेंगे, तीन बचने चाहिए, आठ चौके बत्तीस पाँच बचेंगे, पाँच पाँच सात दो बचे, पाँच अट्ठे चालीस, समझ में? पता है ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दिमाग नहीं, आपको पता है दो बचना है तो कर लो पैंतीस, पता है तीन बचना है तो कर लो चालीस, अब ऐसी कौन जो पैंतीस चालीस से भाग जाता है? पाँच। नहीं आया समझ? जो बचना है वो क्या कर लो? घटा लो, तो जो भी बचेगा वो पूर्ण तक विभाजित हो जाएगा। नहीं आया समझ? नहीं आया आई थिंक। चलिए एक बार और करते हैं, आपको ऐसी थोड़ा ध्यान दीजिए, हंसी वसी हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, ध्यान यहाँ पे रहे, कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं सब। इकतीस इसमें भाग दो तो बचे तीन और इसमें भाग दो तो भी तीन, कौन है वो? अंदाजा क्यों लगा रहे हैं मेरे भाई? घटा दो सात, हाँ सही है, सात चौके अट्ठाईस, कितने बचे? तीन, सात छः बयालीस, कितने दे दी? तो अंदाजा क्यों लगा रहे भाई? घटा लो ना, अट्ठाईस बयालीस, सात चौके अट्ठाईस, सात छः बयालीस। नहीं आ रहा है यार समझ में? कहाँ आ रहा है? जवाब नहीं आएगा तो कैसे आएगा समझ में? चलिए आगे बढ़ें, बढ़ेंगे नहीं बढ़ें? चलो देख रहे हो, ऐसी संख्या बतानी है जिसका चौदह में भाग दें तो दो आए और इक्कीस में भाग दें तो तीन आए, क्यों? बारह, बड़ी से बड़ी, जैसे दो भी आ जाएगा, दो का तो पूरा जाएगा, दो कितने बचे? हाँ तो इसको ऐसे नहीं करना है, घटा लो कितना आ गया, बारह अठारह, छः दूनी बारह, छः तेरह। नहीं आया समझ? कि अंदाजा लगा के ही करना है, ऐसे करना है कि नहीं? तो जो बचेगा उसको क्या कर दो? अलग। तो पूर्णता विभाजित हो जाएगी, क्या बच हो जाएगी? पूर्णता विभाजित। तो अब यहाँ पर लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 303 और 389 से विभाजित करने पर क्या करे शेष फल? तीन व चार। चूंकि संख्या को 303 व 389 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः क्या क्या बचता है? तीन व चार बचता है, इसलिए संख्या 303 में से गए 300 व 375 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो मैं कैसे पता करेगी बताओ, कैसे पता? तीन बचना था तो मैं तीन क्या कर दिया? कम, तो चला गया इसको पूर्णतः। नहीं आया समझ? पक्का आ गया? तो जो भी लिखे बचना है उसको कम कर देना, तो मतलब हम इसका और इसका क्या निकाल लेंगे? SCF, कि पूर्णतः विभाजित करने वाला कौन है? SCF। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा घुमाया, कठिन तो नहीं लगा? बस जो बचेगा उसको क्या कर दो? कम कर दो, तो चल जाएगा पता है किसको पूर्णतः विभाजित करेगी। चलिए 300 के स्टार्ट करते हैं, 150, अगला 75, 3 25, 5 एकम 375,
तीन, तीन एकम तीन दूनी तीन पाँच पच्चीस। अभी किया ना अपन ने, बोलिए 300 के बोलिए, दो की घात तीन की घात पाँच की घात 375, तीन की घात पाँच की घात तीन, और बस। अब हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएल, क्योंकि इन दोनों को क्या कहते हैं, पूर्णतः विभाज्य। सुन रहे ना बेटा? चलिए, दो आएगा तीन आएगा पाँच आएगा, तीन की छोटी घात एक, पाँच की छोटी घात दो, पचम अतः 75 वो संख्या है जिसका इसमें भाग दोगे तो तीन बचेगा और इसमें भाग दोगे तो चार। समझ में आया? बहुत टफ लग गया क्या? थोड़ा सा घुमाना चाहिए कहीं सवाल? आराम से बेटा, आराम से ध्यान दो। 303 में भाग देने पे क्या होगा? आप शायद अभी तक सो रहे थे 15 मिनट से। अब सुन लीजिए, आप 303 पे तीन बचेगा तो तीन घटा दिया कितना हो गया 300, 389 में चार बचेगा तो चार घटा दिया कितना बचा 375। अरे 389 आप 375 ले आए तो भैया ने थ्योरी बिल्कुल सुनी नहीं, मैं तब समझा था पूरा गोबर हो गया। बेटा ये लिखा है चार बचेगा और एचसीएल से आता है पूर्णतः विभाजित करने, बचने वाला नहीं, तो जब चार बचेगा तो अपन इसमें से चार क्या करते हैं, घटाते, तीन बचेगा इसमें तीन घटे, फिर इनका एचसीएल निकालेंगे। अब मैं आपको एक समझाता हूँ, अपन का आंसर क्या है 75, 303 में भाग देंगे काय का 75 का, 75 चौके 300, 75 दूनी 150, 300 बचा तीन के नहीं, नहीं बचा। अब और काय का भाग देना है 379, 375 बचा चार के नहीं। क्या ये सवाल पुराने तीन जैसा था? मैंने कहा था सवाल को थोड़ा घुमाएंगे और मैंने इतना टाइम वेस्ट किया और आप बोले 389 हो। जो गधे बच्चे हैं जिनके सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया वो काय का एचसीएल लेंगे 303 और 309, उन्हें कुछ भी नहीं आता, वो सवाल पढ़ते नहीं, बस वो रटते हैं। इनने क्या पूछा था? विभाजित नहीं होता, विभाजित करने पर शेष फल कितना बचता है 3 और 4, और इसके पहले सवालों में क्या था, विभाजित होगा। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 245 और 1029 से विभाजित करने पर कितना बचेगा 5, मतलब इसमें भी 5 बचेगा और इसमें भी, तो फिर बताओ कि संख्या किसको पूर्णतः, इसमें तो करोगे तो 5 बचेगा तो पूर्णतः विभाजित किसको करेगी, 245 माइनस 5 240, 1029 माइनस 5, घटा दे क्या, 1029 में से 5 गए 1024, मतलब वो 240 को विभाजित करेगी और 1024, समझ गए नहीं समझ गए? अब देखो मजा, 240 दो एकम 120 60 30 15 ती पाँचे पाँच एकम, मज़ा आया नहीं आया? अब आएगा, क्या लिखा, भाग दो 512, 512 के आधे 256, 256 के आधे 128, दो छिंग 12 दो चौके 32, बोलते जाओ 16, बोलते जाओ 4, 2, 1, आया मजा कि नहीं? चलिए 240, दो की घात 1 2 3 4, दो की घात 3 की घात 5 की घात 1024, गिन लो दो की घात। अब हम इन दोनों का निकालेंगे एचसीएल, 240 और 1024, केवल दो कॉमन है तो दो लिखा, ये नहीं लिखेंगे घात 4, आता है हमारी संख्या 16 है, 16 में इससे भाग दोगे तो भी 5 बचेगा और इससे भाग दोगे तो भी, लेकिन अभी यकीन नहीं आया इसलिए असर भाग देके बता रहे हैं। 16 का दुनिया आता है? यस सर। 16 एकम बचे 85, 16 पंचे 80, बचा 5 के नहीं, नहीं आया सर कि 245 ले लें, सवाल पड़े ही ना। चलो एक और क्या है, 1024, तैयार है तैयार कि नहीं? yes, चलो भैया, 16 एकम 16 पंचे 80, 16 छिंग 96,
आता है 16 का दुनिया yes, 64 सॉरी हाँ 1024 नहीं 1029 सॉरी 1100 क्या है 29 तो 16 6 96 बचे 6 9 16 4 64 बचे 5 के नहीं बचे yes, सही है आ गया समझ में।